हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। एप्टीट्यूड रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने फिर से है। नाउ ये क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज गेट एग्जामिनेशन, हालांकि गेट एग्जामिनेशन में इस टाइप का ट्रेंड अभी तक नहीं देखा गया, बट सपोज गेट और ये से एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको करने के लिए दे दिए जाएं, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आपको निकालने के लिए नानी याद आ जाएगी, और गलती से यदि 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ गया तो फिर तो छोड़ के आना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा अखड़ जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इनके आंसर्स निकाल के लाइए, तब पता चलेगा कि कितने डिफिकल्ट हैं इनके रिमाइंडर्स निकालना। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है इन्हें करने की, है ना। कोई सा भी रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो जो हमने सिंपल वे जाना है कि यू नो ए प्लस एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मेट में डिवाइड बाय ए वाले फॉर्मेट में हम बनाते हैं क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, है ना। बट ये जो कहानी है ये उससे कहीं गुना पार की कहानी, क्योंकि डायरेक्टली उस मेथड से आप इसके रिमाइंडर फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व, बट हम देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिमाइंडर्स ऑफ एनी कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ एनी नंबर, एंड दैट मेथड वी कॉल द यूलर टोशेंट मेथड। देखेंगे हम, ठीक है, समझेंगे हम कहानी। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, दिल से समझेंगे, पूरा समझेंगे, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तब तक आप एक काम करिए, क्वेश्चंस इनके आंसर लेके आ सकते हैं तो आइए, क्योंकि जब स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट तो आपको समझना दिल से, है ना। चलिए सपोज मैं आपके सामने दिया 2 की पावर, इट्स 100 डिवाइड बाय 101, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। अब आप फाइंड कीजिए और कितना टाइम लगता है आपको, देखते हैं जरा। a प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइड बाय a वाले फॉर्म में यदि आप ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे। सर ये 2 की पावर यहां तक लाने के लिए मतलब आसपास भी नहीं आएगी, है ना, 2 की पावर 128 आएगी, उसके बाद बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस की, और शॉर्ट ट्रिक जो है, इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का नाम है यूलर टोशेंट मेथड, ठीक है। ये है तो इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि सपोज आपका एक डिवीजर है डी, है ना, एक नंबर है, लेट्स टेक इट नंबर ए, और दिस इज द टोशेंट। देखेंगे हम व्हाट इज दिस टोशेंट इज, यदि ये कंडीशन होती है तो जो रिमाइंडर होता है वो +1 होता है, दिस इज द रिमाइंडर। सर ये क्या है, सर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो समझने की जरूरत नहीं है, अभी स्टार्ट भी नहीं किया मैंने। डी इज द डिविजर, ए इज द नंबर, टी इज द टोशेंट, रिमाइंडर विल ऑलवेज 1। सर क्या बात है ये, व्हाट इज दिस 1 इज ऑल अबाउट, ध्यान से समझिएगा। एक और कंडीशन, ए और डी एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, ए और डी जो भी नंबर यहां लिखा रहेगा, जो भी नंबर यहां लिखा रहेगा, दोनों एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब व्हाट, दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 होना चाहिए, दोनों के बीच में ओनली 1 थिंग कॉमन होना चाहिए और वो है 1, करेक्ट है। जैसे मैंने लिख दिया 7 और 5, दोनों को प्राइम है। मैंने लिख दिया 5 और 9, दोनों को प्राइम है, दोनों के बीच में कौन कॉमन है, ओनली 1, ठीक है। ए और डी एक कंडीशन है मात्र, वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। डी प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता है। सर अब जल्दी से मुद्दे पे आ जाइए, चलिए आते हैं। आपके पास एक डिविजर रहेगा, एक नंबर रहेगा, सर टोशेंट क्या बला है ये, व्हाट इज दिस टोशेंट ऑल अबाउट। जो भी नंबर दिया रहेगा डिविजर में, उस नंबर के लिए हमें टोशेंट निकालना है, टोशेंट निकालना है जो भी नंबर दिया रहेगा इसके लिए। सपोज आपका डिविजर 7 है, सपोज आपका डिविजर 7 है, और इस 7 के रिस्पेक्ट में इसका टोशेंट निकाल सकते हैं आप, यूलर टोशेंट। इसने जो जुगाड़ किया, यूलर ने हिट एंड ट्राई कर करके कुछ जुगाड़ फिट कर लिया, और जुगाड़ फिट करके एक फॉर्मूला दे दिया कि यदि इसे फुलफिल करोगे तो +1 रिमाइंडर बचेगा। उस जुगाड़ में टी टोशेंट नाम दे दिया टी, और इसको निकालते कैसे वो बता दिया। सपोज 7 का टोशेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 × 1 − 1/7, दैट्स इट, ठीक है। तो यदि आप इसे निकालोगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 6,
तो कोई सा भी प्राइम नंबर हो उसका टोशेंट जब निकालेंगे तो उससे एक कम आएगा। सपोज आपके पास प्राइम नंबर है 5, इसका टोशेंट यदि निकालोगे प्यारे बच्चे तो वो आएगा 4, वो आएगा कितना 4। आप ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपके पास सपोज है 11 और आप टोशेंट निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 10 आएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो बात को, है ना? तो ये टोशेंट है, तो ये तो प्राइम नंबर है। सपोज प्राइम नंबर नहीं है तो टोशेंट कैसे निकालेंगे? सपोज आपका नंबर है 8, इसका निकालना है आपको टोशेंट, तो कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर दिया है कंपोजिट नंबर, उसको प्राइम फैक्टर में सबसे पहले आप करेंगे क्या, तोड़ेंगे। जैसे कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब। कौन सा प्राइम नंबर है इसमें? 2 है, तो 8 का टोशेंट निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस ये प्राइम नंबर। इसकी पावर कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका प्राइम नंबर आ जाएगा राजा 4। ठीक है, आपके पास सपोज 6 है, सपोज नंबर है 6 और इसका टोशेंट निकालना है, तो 6 क्या होता है, 2 गुणा 3, दो डिफरेंट प्राइम नंबर है, तो ये निकलेगा 1 1 माइनस 2 1 माइनस 1 बाई 3, ऐसे निकलेगा ये, समझ रहे बात को? तो दिस इज नथिंग बट 6 गुणा 1 बाई 2 गुणा 2 बाई 3 गेट कैंसल्ड, इसका प्राइम हो गया, टोशेंट हो गया 2। समझ में आ गया? तो कोई सा भी नंबर हो उसके रिस्पेक्ट में टोशेंट देखना है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नाउ ए नंबर कुछ भी हो सकता है, डी इज व्हाट, डी आपका डिवीजर है जो कि प्राइम नंबर हो सकता है, को प्राइम हो सकता है। अब देखो जरा ये फॉर्मूला यदि आप समझते हो तो चीज आपके लिए कैसी हो जाती है, मैं उस पर फोकस करना चाह रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। नाउ ये जो है ना, इसमें अब आपको पापड़ नहीं बेलने, अब आप देख के आंसर करेंगे। इसका तीन चीज मैंने आपको समझाई है, एक है डिवीजर जो प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, ए एक नंबर होगा, ए डी दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, टी इज द टोशेंट, कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया क्या? यस सर आ गया। अब आइए मुद्दे पे आइए, नंबर है आपके पास 101 प्राइम नंबर है, तो 101 प्राइम नंबर है तो इसका टोशेंट कितना हो गया राजा, टोशेंट जो है वो हो गया 100, टोशेंट वो हो गया 100। तो कहानी क्या है, 2 एक नंबर है, 2 और 101 को प्राइम है, 2 की पावर टोशेंट है, तो इसका रिमाइंडर कुछ नहीं करना, इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर कितना है 1 है, कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्लाई हो गया और टोशेंट कितना आ गया राजा 1 आ गया, टोशेंट कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन सपोज इंस्टेड ऑफ 100 इसकी वैल्यू होती 101, अब बताइए सपोज वैल्यू होती 101, तो अब देखो राजा, अब ये वाला फॉर्मूले से देखोगे तो टोशेंट जो है ना 100, ये जो नंबर है टोशेंट, इसको डिविजर से आप डिवाइड करेंगे, है ना? समझ में आ रही बात को? आपका टोशेंट है यहां पे, यदि इसका टोशेंट निकालते हैं तो वो कितना आता है, टोशेंट इज नथिंग बट 100, जो भी पावर है उससे 100 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज द रिमाइंडर, डिवाइड बाय 101 है ही। ये 1 कहां से आया सर, जब इसे डिवाइड किया तो 100 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, 100 जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वो रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा 1, बची हुई पावर जो रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगी वो आपका रिमाइंडर हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे फिर से देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 की पावर 100 गुणा 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 101, तो इसका रिमाइंडर कितना आया इस फॉर्मूले से, यूलर टोशन मेथड से सर 1 आया, साथ में कितना है 2, डिवाइड किससे हो रहा है 101 से, रिमाइंडर कितना आ गया राजा 2 आ गया। वाओ मजे आ गए, समझ रहे बात आ, एकदम क्लियर है यूलर टोशन मेथड। थोड़े क्वेश्चन और बने रही है, अभी कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ना, तो इसको एकदम चस्पा कर देते हैं आपके दिमाग में और उसके बाद हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को जो अभी तक शायद आप लगा रहे होंगे और आंसर लेके नहीं आए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, 28 to the power 22 डिवाइड बाय 11, अगेन फुलफिल है कंडीशन, दोनों को प्राइम है क्या है, कभी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है को प्राइम नहीं होंगे तो बना लेंगे राजा। देखो आप जरा ध्यान से देखो, 28 to the power 22 डिवाइड बाय 11, ओके,
अब देखो इसका टोशन कितना आ गया, देखते ही आपको पता चल गया कि टोशन कितना हो गया 10, क्योंकि 11 इज द प्राइम नंबर, उससे एक कम इज द टोशन। टोशन से इसको डिवाइड करो आप, है ना, ये 28 की पावर को आप लिख सकते हो ना टोशन के फॉर्म में, दिस इज 10, 28 की पावर 10 और 28 की पावर 2, सभी डिवाइड हो रही किससे, आपकी 11 से, है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ, रिमाइंडर की 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रिमाइंडर की 1 क्यों हो जाएगी, टोशन मेथड, यहाँ पे कितनी 28 × 28 यस, डिवाइड बाय कितना 11, है ना। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ से रिमाइंडर कितना निकलेगा, सर यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा 6 डिवाइड बाय 11, ठीक है, दिस इज नथिंग बट 36/11, रिमाइंडर कितना आया 3, 3 इज द रिमाइंडर, आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 की पावर है 124 डिवाइड करना है 17 से और रिमाइंडर बताना है, खुद से पता कर लीजिए, आपकी मेथड से निकाल के आइए, फील आ जाएगा कि यूलर टोशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दोनों को प्राइम नंबर है क्या, यस, नहीं होते तो बनाते कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो फिलहाल को प्राइम है तो 17 का टोशन निकालिए, सर 17 का टोशन जो है वो 16 है, 16 से ये पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उस पर हम फोकस करेंगे, तो 16 से कितने टाइम जाएगा ये, है ना, 7 टाइम्स, बिकॉज 16 × 7 = 112, रिमाइंडर कितना बचेगा 54, मतलब पावर कितनी बचेगी ओनली 12 बचेगी, है ना, जो कंप्लीटली डिविजिबल पावर है वो तो सारा 1111 रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगी, तो छोड़ दो भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट अब आपका हो जाएगा 54 × 12 डिवाइड बाय कितना 17, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा सर अब कैसे करें, अब तो ये 17 से छोटा है तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, अरे नहीं बनेगा, 54 डिवाइड बाय 17 कितना आया 17 × 51, तो 3 रिमाइंडर यहां से बचा, यहां से 3 रिमाइंडर, यहां से 3 रिमाइंडर, यहां से 3 रिमाइंडर, ऐसे कितनी टाइम ये 3 12 टाइम्स जाएगा, ये 12 टाइम्स आ रहा है ना, 12 टाइम्स आ रहा है, इसको डिवाइड किस पे कर रहे हो आप 17 से प्यारे बच्चे, 17 से, ठीक है। तो आप क्या कर लो, 3 3 का एक समूह बना लो, है ना, टोटल 12 ही तो है आपके पास, तो ये 3 का समूह बनाओगे तो 27 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 10, सो कितनी बार 10 × 10 × 10 × 10 डिवाइड बाय राजा 17, अब 100 100 का बना लो, सो दिस इज नथिंग बट 100 × 100 और ये हो जाएगा 17, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा राजा, यहाँ पे रिमाइंडर 102, यानी कि -2 रिमाइंडर यहाँ, -2 रिमाइंडर यहाँ, 4 इज द वैल्यू ऑफ योर रिमाइंडर, खत्म कहानी। चलिए फिर देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया 3 to the power 34 डिवाइड बाई 17, नाउ 17 और 13 को प्राइम नंबर है, यस, 17 का टोशेंट हो गया 16, 16 से डिवाइड करना है 34 को, 2 टाइम्स कंप्लीटली चला जाएगा, बचेगा पावर 2, बस 3 की पावर 2 पे फोकस कीजिए, 17 से डिवाइड करना है तो सिंपली 9 इज द आंसर, क्या नहीं बोल सकते क्या, रिमाइंडर पता कीजिए चुटकियों में, हाँ बोल सकते हैं अब तो, है ना, टोशन मेथड जानने के बाद तो सारी चीजें चुटकियों में हो गई ना आपकी, बताइए इसकी वैल्यू, बताइए सर इसकी वैल्यू, दोनों को प्राइम नंबर, 13 का हो गया 12 टोशन, 26 को 12 से डिवाइड कीजिए, अगेन आपके पास 2 बचा, 9 इज द आंसर, ठीक है। नाउ हियर इज फर्स्ट थिंग, 3 और 5 ये को प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 3 की पावर 152 डिवाइड बाय 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3 लिख सकते हैं ना, अब देखो ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, उसको एलिमिनेट कर दें तो यहाँ पे यदि एक पावर 3 की भगा दोगे तो 151 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, ध्यान रखिएगा एक 3 की पावर निकाली है हमने, यहाँ और यहाँ से 3 कैंसिल किया तो रिमाइंडर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं,
बराबर इतनी बात। चलिए तो फिर अब देखो दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, यस सर। इसका कोएफिशिएंट कितना 4, 151 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करोगे आप इसको तो दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स आपके पास 31 बचा, 31 बचा आपके पास, आप डिवाइड किससे कर रहे हैं 4 से, है ना। तो 31 बचा तो 3 यहां से आया, 3 आपके पास, 3 की पावर 3 पे फोकस कीजिए। सो 27 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर इज 2, बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, फाइनल रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। कहानी कितनी आसान हो गई आपके लिए, है ना। तो टोशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं हो गई आपके लिए, बताइए मुझे, है ना। सारी चीजें चुटकियों में हो रही है, प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारी। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे जो शायद आपसे नहीं बने होंगे। अब हम टोशन मेथड से इन्हें चुटकियों में करते हैं। आपके पास है 50 की पावर 51 की पावर 52, 50 की पावर 51 की पावर 52, है ना, बाय 11। सबसे पहले जनरल मेथड से करते हैं ताकि आपको फील आएगा कि यूलर टोशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। जनरल मेथड से आप देखोगे पागल हो जाओगे इसको। चलिए थोड़ा सा पागल करते हैं हम आपको, 50 की पावर 51 की पावर 52। तो सबसे पहले तो इसे हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। कैसे आसान कर लेते हैं सर, इसको 11 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चे कैसे लिखा जा सकता है, 55 से माइनस 5 करके लिख लो या 44 से प्लस 6 करके लिख लो। मैं 55 से लिखता हूँ। सो माइनस 5 की पावर 51 की पावर 52 हो गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम सीख लिए ना। आपने 50 को 11 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 55 माइनस 5। तो 55 तो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, माइनस 5 नहीं होगा। माइनस की पावर ओड पावर है, ठीक है, 51 52 टाइम्स है। तो 1 गुणा 1 कितनी भी बार कर लो ओड नंबर जनरेट होगा। सो माइनस की पावर दिस, सो दिस इज नथिंग बट माइनस साइन यू हैव। नाउ द क्वेश्चन इज 51 की पावर 52 डिवाइड बाय 11। ठीक है, जनरल मेथड से कर रहे हैं, यूलर टोशन मेथड लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जनरल मेथड को हम समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या आपको साइक्लिसिटी ऑफ पावर निकालना पड़ता है, साइक्लिसिटी ऑफ पावर फॉर अ पर्टिकुलर रिमाइंडर, रिमाइंडर साइक्लिसिटी ऑफ द पावर निकालते हैं फॉर पर्टिकुलर गिवन डिवीजर, ठीक है। मैं यहां क्या बोला, देखो आपको करना है 5 की पावर बढ़ रही है ना, ये है बेस नंबर, ये है उसकी पावर्स, तो 5 की पावर्स बढ़ रही हैं। तो 5 को जब 11 से डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को, तो क्या क्या रिमाइंडर होता है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। 5 की पावर 1 है, रिमाइंडर आपको चाहिए 11 से डिवाइड करने पे कितना आएगा राजा, 5 आएगा। 5 की पावर 2 है यानी कि 25 है, 11 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पे फोकस करिए कितना आएगा, 3 आएगा। नाउ 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 125 मत लिखो, शॉर्टकट भी है, इस सिंपल रिमाइंडर में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 का क्यों, क्योंकि 5 की पावर बढ़ा रहे हैं हम, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 थ्री अब 15, 15 को 11 से डिवाइड कर दो, आपका रिमाइंडर कितना आया प्यारे बच्चे, 4। सो 5 की पावर 4 मत निकालो, 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो 20, 11 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया 9, 5 9 45, 45 11 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आया 1, और इसके बाद 5 एकम 5, तो इसके बाद आपकी रिमाइंडर रिपीट करेगी, सेम टू सेम जनरेट होगा। तो रिपीटेशन साइकिल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये है रिमाइंडर साइकिल ऑफ द पावर, है ना। आप देखो पावर बढ़ाते जा रहे हैं, रिमाइंडर लिखते जा रहे हैं, 11 से डिवाइड करते जा रहे हैं, ये रिमाइंडर पावर साइकिल हो गई, रिमाइंडर साइक्लिसिटी भी बोल सकते हैं। किसकी, पावर 5 की, कब, जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं। जनरल मेथड देखो कितनी खतरनाक है, है ना। अब आप देखो जरा, साइकिल 5 होना मतलब ये कि ये जो 51 है, ये है 5, ये बेस नंबर है, ये 51 जो है 5 की साइकिल तक यदि चलेगा, तो 5 की साइकिल है इसकी, उसके बाद रिपीटेशन है, तो जो कंप्लीटली डिविजिबल है उसको छोड़ दो, रिमेनिंग जो बचे उससे यहां से पावर निकाल लो। सर क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया,
51 को बोल लिख सकता हूं, 50 प्लस 1 लिख सकता हूं, क्या कोनो प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल लिख सकता। तो ये 5 की पावर 50 यदि रेस करेगी तो साइकिल हो गई कंप्लीट। उसके जस्ट बाद पावर आई 1, यानी कि 5 की पावर 1 बराबर है, 5 की पावर 1 वही है जो 5 की पावर 6 होगी, जो 5 की पावर 11 होगी, क्योंकि साइकिल 5 है। तो जो कंप्लीट साइकिल हो गई उन्हें तो अब एलिमिनेट कर दो, जो बचा उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। तो कॉन्सेंट्रेट आपकी 1 बचा, 1 की पावर अगेन 52 हो रही है राजा, 1 की पावर कितनी हो रही है, 52 हो रही है। अब इसे अगेन ये जो बचा इसे भी 5 की साइकिल से ही चेक करना है, क्योंकि ये भी पावर ही है। तो अब 1 की पावर 52 एक ही आएगा, सो दिस इज नथिंग बट 5 की पावर 1, और 5 की ये जो बेस नंबर है इसकी अल्टीमेट पावर कितनी आएगी, 1, 5 की पावर 1 इज नथिंग बट 5। आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे जनरल मेथड लगती है, जनरल मेथड पागल कर देगी, आपको समझ में भी नहीं आई होगी आधी तो, है ना? समझ में आएगा, ध्यान से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, जनरल मेथड आपको समझ में आएगी, ठीक है? एक और इनमें से एक आधा क्वेश्चन में जनरल मेथड से कर दूंगा तो और समझ लेना, ठीक है? अभी इसको यूलर टोशन मेथड से करते हैं हम, ठीक है? अब इसे यूलर टोशन मेथड से देखिए, 50 की पावर 51 की पावर 52, और इसे आप डिवाइड कर रहे हैं 11 से, ठीक है? अब आप देखो, ये एक इंटायर नंबर मान लिया आपने, दिस इज ए, 11 एक प्राइम नंबर है जिसका कि टोशन जो है राजा कितना होगा प्यारे बच्चे? सर टोशन 10 होगा, है ना? अब पावर को 10 से डिवाइड कर दें हम, पावर को 10 से डिवाइड करते हैं ना हम, तो अब देखो पावर को 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 पावर तक तो खत्म, 50 तक तो खत्म, बची 2। तो ये क्वेश्चन अब आपका हो गया 50 की पावर 51 और उसकी पावर 2। अगेन कहानी वही है आपकी, है ना? 11, इतना बात क्लियर है आपको? अब देखो जरा, आपने क्वेश्चन को बहुत छोटा बना लिया, आपने जो पावर थी ना उसको बहुत छोटा बना लिया। क्यों? क्योंकि अब 50 की पावर कितनी है, 51 गुणा 51 है ना, डिवाइड बाय कितना है राजा, 11 है, यही है ना? अब देखो अगेन टोशन लगा दो, टोशन लगा दो आप, टोशन कितना इसका 10 है, डिवाइड कर दो, तो यहां से बचा एक, यहां से बचा एक, तो 50 की पावर 1, 50 की पावर कितनी बची, 1, इसे 11 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 11 से क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आपकी ओके, इसको जब जनरल मेथड से कर रहे थे तो इसका माइनस साइन हम भूल गए थे, इसका माइनस साइन भी था ना बाहर, रिमाइंडर 5 आ रहा था, तो वो एक्चुअली माइनस 5 है, सो 11 में से माइनस 5 करते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है बच्चे, 6 आता है। क्लियर है इतनी बात? जो वहां एरर हो गई थी स्पॉट हो गई ना। अब देखो 11 से सिर्फ 50 को डिवाइड करना है, 50 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, 6 इज द आंसर। ये है आपकी टोशेंट मेथड, क्लियर है थोड़ा सा? चलिए तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, 30, 72, 87 पे फोकस कीजिए। 30 की पावर 72 और उसकी पावर 87, इसको 11 से कीजिए। तो सबसे पहले जनरल मेथड से करते हैं, ठीक है? जनरल मेथड से जो करते हैं तो उसको सबसे पहले इसको छोटा बना लेते हैं, 11 के टर्म में लिख लेते हैं। सो 11 के टर्म में लिखोगे तो मैं -3 लिखूंगा, -3, 33 -3, तो -3 की पावर 72 और उसकी पावर 87, तो माइनस को जब आप करोगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन पावर है ना? सो दिस इज नथिंग बट 3 की पावर 72, आपने क्वेश्चन को बहुत छोटा कर दिया है देश, ठीक है? अब पावर किसकी रेज हो रही है, बेस कौन है, सर 3 है, उसकी पावर रेज हो रही है, तो नंबर हो गया आपका 3, तो इसकी साइक्लिसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। 3 की पावर 1, रिमाइंडर आपको चाहिए, डिवाइड किससे कर रहे हो राजा, 11 से, जो भी नंबर डिवाइड कर रहे हो उसको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे पावर बची, आपका रिमाइंडर बचा 3, 3 का स्क्वायर है, उसको 11 से डिवाइड करोगे तो पावर कितनी आएगी, रिमाइंडर 9 आएगा। नाउ 3 का क्यूब करो, उसको आप 11 से डिवाइड करो, तो आप या तो 3 क्यूब 27 निकाल लीजिए, या फिर इस 9 में डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई करो, जो सीरीज नंबर बढ़ता जा रहा है उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 9 3 27,
11 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट पावर 3 की पावर 4 है, पूरी नंबर मत करो, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 15 डिवाइड बाय 11 आपका आया 4। नाउ नेक्स्ट पावर 3 की पावर 5, ठीक है, 4 में मल्टीप्लाई करो, 3 का 4 3 12 आपके पास, 11 से डिवाइड करो तो आया 1, 3 की पावर 6 पे आ जाओ, सो 1 × 3 तो रिमाइंडर आ गया 3, बस अब रिपीटेशन चालू। तो इसकी साइकिल कितने की हो गई बच्चे? सर इसकी साइकिल हो गई आपकी 5, 1 2 3 4 5, ये 3 के पावर की रिमाइंडर साइकिल है बाय डिवाइडिंग द 11। 11 से जब 3 की पावर्स को डिवाइड करते जाते हैं तो उसकी साइकिल 5 की है। इसका मतलब ये कि 3 की पावर 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 की पावर 6 को भी 11 से यदि डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 की पावर 5 की साइकिल 11 बाय 11 भी करोगे तो भी 3 बचेगा, तो भी हर केस में 3 की पावर 1 आएगी, है ना, क्योंकि 5 की साइकिल है तो 3 की पावर जो 5 है वो तो हटा दो, बची 1 पावर, 3 की पावर 10 है वो हटा दो, 5 का मल्टीपल है, बचा 1 पावर। समझ में आ चुका है बात? तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा, हमने साइकिल फाइंड कर ली, सर साइकिल 5 की है, ठीक है, साइकिल कितने की बच्चे, 5 की है। अब आपके पास देखते हैं क्या है, सर अब मेरे पास पावर तो है 72 और 72 की भी पावर है 87, तो सबसे पहले इस 72 को क्रैक करता हूं मैं, 5 से क्रैक करता हूं मैं, है ना, तो 70 तो चला जाएगा, इसको लिख सकता हूं ना 70 प्लस 2 और उसकी पावर 87 और ये होल पावर किसकी है, 3 की है ना, तो 3 की पावर 70 जो है वहां तक तो कहानी कंप्लीट साइकिल है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन 2 साइकिल बच जाएगी। तो मुद्दा किस पे फोकस हो गया अब, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 87 पे, ठीक है। ये सारा जब इसको आप खोलोगे इनसाइड 87 से करोगे उसको, तो जो सारे नंबर आएंगे वो 5 की साइकिल 5 के मल्टीपल होंगे तो उनका तो टेंशन नहीं है, जो मल्टीपल नहीं होगा वो है 2 की पावर 87, तो इसी का हमको टेंशन लेना था, ठीक है। अगेन सारी कहानी 3 के पावर में है, तो 3 के पावर में जो भी नंबर है उसका डिवीजन किससे देखना है, 5 से, क्योंकि पावर की बात हो रही है, तो 5 साइकिल है तो 2 की पावर 87 को भी आप 5 की साइकिल से लेके आ रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लेके आओ, वो रिमाइंडर 3 की पावर बनेगा, है ना, जनरल मेथड है। तो 2 की पावर 87 इसको क्यों 5 से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये 3 की पावर है और 3 की पावर की जो साइकिल है वो 5 है, तो 3 के पावर में जो भी हो उसे 5 से डिवाइड करना होता है, जैसे कि यहां भी किया यहां भी कर रहे हैं, 2 की पावर 87 है, ठीक है। अब आप देखो जरा, इसको 2 को लिख सकता हूं क्या मैं, 2 की पावर 86 × 2 / 5, इसको इसके टर्म में लेके आ रहा हूं ना मैं, सो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, सो ये हो गया 4 और 4 की पावर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 43 × 2 / 5। नाउ अब इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 5 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं, पावर है कितनी 43, गुणा कितना है 2 का, डिवाइड किससे करना है 5 से, तो यहाँ -1 की पावर 43 - 1 बचा तो आपके पास क्या आया, -2 आया, डिवीजन किससे हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब 3 आया रिमाइंडर, तो 3 की पावर कितनी बन रही है राजा, 3 तक रेस कर दो, बाकी की जो भी पावर आई ना आपने इलिमिनेट कर दी साइकिल मेथड से, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 की पावर 3 बचेगा एट लास्ट। तो 3 की पावर 3 का आपसे पूछा गया है, इसको 11 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर पूछा गया है,
सो रिमाइंडर कितना आया था 27 में 11 का 5, सो 5 इज द आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन लिया था राजा, हमने लिया था 30^72 तो इसका आंसर कितना हो गया 5। अभी यूलर टॉशन मेथड से करना बाकी है तो इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है, अब इसी को हम टॉशन मेथड से करते हैं, क्या आता है देखते हैं जरा। ये सारा जनरल मेथड का माथा पच्ची खत्म हो जाएगी उस केस में, करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं। टॉशन मेथड है, जहां भी रिमाइंडर मिला जो भी मिला अप्लाई करने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम सीख गए है ना। क्वेश्चन है 30^72 सो दिस इज नथिंग बट 30^72 डिवाइड करना है 11 से। सो राजा ये एक नंबर मान लिया, पावर है 87, 11 का टोशन कितना 10, 11 का टोशन कितना 10। सो 10 से इसे क्या करना, डिवाइड करना। सो इसको 10 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो दिस इज नथिंग बट 30^72 और उसकी पावर 7, अगेन 11 है आपका, है ना। ठीक है, अब देखो ये कहानी क्या हो गई, 30^72 कितनी बार, 7 times 7 times 7 बार, ठीक है, डिवाइड बाय 11। तो अगेन आपका यूलर टॉशन मेथड है, प्राइम है ही सही, कोई दिक्कत नहीं। अब हर एक पावर को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर सॉरी 11 नहीं टोशन 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से बचा 2, 2, 2, 2, तो 30^2 × 2 × 2 कितनी बार, 7 बार, कितनी बार 7 बार। ठीक है, तो अगेन आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये 4 पावर अलग लिख लो और 2 पावर अलग लिख लो। तो ये जब करोगे तो दिस इज नथिंग बट इन चारों का 16 होता है, 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना है 6, इनका रिमाइंडर कितना है 8, है ना। सो 6 × 8 तो कितना हो गया 48। 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड करने पे पावर हो जाएगी 8, 30^8 और इसे आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं और आप फाइंड करना चाह रहे हैं क्या, आपके रिमाइंडर को। तो अब आप मुझे बताइए इसका रिमाइंडर कितना आना है। ठीक है, अब देखो आप टोशन लगाओगे तो कहानी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अब 8 छोटा हो गया 10 से, है ना। तो अब हर एक केस में कितना रिमाइंडर वो देख लेते हैं, -3 रिमाइंडर कितनी टाइम्स पे आ रहे बच्चे, 8 times, कितनी बार टाइम 8 times, तो 8 times तो माइनस सारा भगा दो, बिकॉज इवन मल्टीपल्स हैं, इवन नंबर्स हैं, तो क्या आएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसको 11 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा इन तीन को यानी 27 को 11 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, सो 9 × 5 = 45 एक बचा गुणा 5, आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चे 5 हो गया। क्लियर है कहानी, इजी है, आसान है। सो आपको जनरल मेथड से बच जाएंगे, जनरल मेथड में कभी कभी साइकिल 10 भी बनती है, 6 की पावर जब चलेगी 11 से ना तो 10 बनेगा, 10 साइकिल बनेगी, वाट लग जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई आपको। अब देखो 32^32 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं आप 7 से। ठीक है, तो ये हो गया एक एंटायर नंबर, टोशेंट इसका कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो 6 × 5 = 30, 2 पावर बची, तो 32 की पावर 32 और उसकी पावर 2, पावर को बहुत छोटा कर दिया आपने यूलर टोशन मेथड से। डिवाइड आप 7 से ही कर रहे हैं, रिमाइंडर आपको 7 से ही चाहिए। अब कहानी हो गई आपकी 32^32 × 32, अगेन टोशन मेथड आप लगा दोगे, 6 से डिवाइड कीजिए इसको तो 2 बचा, इसको करो तो 2 बचा, है ना, 6 से डिवाइड किया तो 2 वहाँ 2 वहाँ बचा। अब पावर कितनी हो गई,
32 की पावर हो गई आप 32 की पावर हो गई 4, 7 से डिवाइड करना है। तो अब क्या है, 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32, 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो अब देखो जरा 32 है ना, तो -3, 35 से रिलेशन बिठा दिया मैंने, ये -3 चार टाइम है -3, तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, 9 गुणा 9 डिवाइड बाई 7, यानी कि कितना 4, 4 क्या है रिमाइंडर, है ना। आप जनरल मेथड से आप निकालने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, बोल रहा हूँ क्या हो जाएंगे पागल। समझ में आ गया यूलर टोशन मेथड क्या है, लगा लेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस में आप, अब इसको हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, ये भी है और ये, इसे हम करते हैं और फाइंड करते हैं कि क्या है कहानी। 32 की पावर 33 और उसकी पावर 34 आपको चेक करना है 11 से चेक करना है। अगेन दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, 11 का टोशन कितना है 10, 10 से पावर्स को डिवाइड करते हैं, तो इसको हमने मान लिया एक नंबर, है ना। तो पावर आप जब कीजिएगा 34 को तो 4 बचे, तो अब आपका नया क्वेश्चन हो गया 32 की पावर 32 और उसकी पावर 4 हो गई, डिवाइड आप 11 से ही कर रहे हैं, नो डाउट एट ऑल, है ना। अब देखो दिस इज नथिंग बट 32 की पावर 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33, समझ में आ गया, डिवाइड बाय 11, बट अब हर एक पावर को टोशेंट है, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 32 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कितना हो गया 81 हो गया, ये कितना हो गया राजा 81 को अगेन 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, 32 की पावर 1, 32 की पावर कितनी हो गई आपकी 1 हो गई, करेक्ट है इतनी, क्योंकि 10 से 80 चला जाएगा, पावर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, तो ये डिवाइड करना है 11 से, तो यानी कि 32 को 11 से डिवाइड करो, 32 को 11 से डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 10, सो 10 इज द रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन बी, ठीक है। चलिए जाते जाते कुछ क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो आप 3 की पावर 161 डिवाइड बाय 16 रिमाइंडर बताइए, है ना। चलिए 3 की पावर 161 डिवाइड बाय 16, ये दोनों को प्राइम नंबर है, ओके को प्राइम नंबर है। नाउ 16 एक कंपोजिट नंबर है और इसका यदि आपको टोशन निकालना है तो आपको 16 को तब्दील करना पड़ेगा किसमें, दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 4, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अब 16 का यदि टोशेंट आपको लिखना है तो वो हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/2, सो दिस इज नथिंग बट 8, इसका टोशेंट कितना है 8 है इसका टोशेंट, ठीक है। तो अब 8 से सारी कहानी आपको चेक करना है, किससे 8 से, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसकी पावर को डिवाइड कीजिए 8 से, तो 161 डिवाइड बाय 8, 161 डिवाइड बाय 8, सो दिस इज 1, 1 बचा आपका रिमाइंडर, 1 बचा यहाँ पे, सो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 16, सो प्यारे बच्चे आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, सिंपली 3, तो 3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हो गई बात समझ में, आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कितनी आसानी से कर दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 की पावर 22 की पावर 42 और उसको आप 9 से कर रहे हैं, है ना। तो अगेन फिर ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, 9 का टोशन निकालिए तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो 9 का यदि टोशन निकालना है सो दिस इज नथिंग बट 9, 1 - 1/3, सो दिस इज नथिंग बट 9 गुणा 2/3, सो ये हो जाएगा 6, इसका 6 टोशेंट हो गया, किसका 9 का टोशेंट 6 है, है ना। तो ये एक नंबर मान लिया, 6 से इसको डिवाइड कीजिए, है ना, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से, है ना, 6 से 42 कंप्लीटली डिविजिबल है ना टोशेंट से, है ना। तो आपकी कहानी क्या हो गई, 13 की पावर 22 की पावर 0, है ना। तो यहां कहानी क्या हो गई, यहां से 13 की पावर 0, है ना, आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर कितना बचा 4, रिमाइंडर कितना बचा आपका 4, समझ में आ गई बात।
चलिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 25 की पावर 25 की पावर 25 है ना, सो 9 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट 25 की पावर 25 और उसकी पावर 25, इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं। 9 का टोशेंट आपको पता ही है 6 है, ये एक नंबर हो गया। 25 को 6 से डिवाइड कीजिए, एक आया आपके पास, सो दिस इज नथिंग बट 25 की पावर 25 है ना, डिवाइड कर रहे हैं आप 9 से, अगेन टोशेंट है इसका 6, इसको डिवाइड करेंगे तो अब आपके पास 25 बचा, 9 से आपको डिवाइड करना है। सो कहानी क्या आ गई आपकी, -2 यानी कि 7 इज द आंसर। 7 क्या है इसका आंसर है, सब समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 की पावर 30 की पावर 45 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट 15 30 45 डिवाइड कर रहे हैं 8 से, सो 8 इज नथिंग बट 2 की पावर 3। इसका यदि आपको टोशन निकालना है सो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - 1/2 से, इसकी कितनी भी पावर उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। 8 का टोशन कितना है 4 है, चलिए तो ये एक नंबर मान लिया, 4 से इसको डिवाइड कीजिए 1 बचा, सो 15 की पावर 30 है ना डिवाइड बाई 8, अगेन इसको आपको 4 से, टोशन 4 है 4 से डिवाइड करिए तो दिस इज नथिंग बट 2 बचेगा, सो 15 की पावर आपके पास 2 डिवाइड बाई 8। अब टोशन 4 है और ये 2 है तो आगे बढ़ नहीं सकते आप, अब आपके पास बचा 15 × 15 डिवाइड बाई 8, सो दिस इज नथिंग बट -1 - 1 डिवाइड बाई 8, सो +1 इज द रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने यूलर टोशन मेथड का, और रिमाइंडर में हमेशा हमें वही लगाना है जहां तक भी पॉसिबल हो सके। 35 की पावर 24 की पावर 26, इसको 16 से करना है डिवाइड, 16 इज नथिंग बट 2 की पावर 4, इसका टोशन यदि चाहिए तो 16 में मल्टीप्लाई कीजिए 1 - 1/2 का, दिस इज नथिंग बट 8। क्या आया आपका 8 आया है ना, तो चलिए फिर 8 आया तो ये एक नंबर मान लिया, 8 से इसको डिवाइड कीजिए 2 बचेगा, सो 35 की पावर 24 × 24 ये हो गया आपका 16। नाउ 16 से यदि डिवाइड करते हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 35 उसकी पावर 0, सो दिस इज नथिंग बट 1/16, सो पावर रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। आया मजा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।